हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीट स्टडी प्लान फॉर आरआरबी जेई सीबीटी 2 एंड एसएससी जेई। यहां पे सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए ही मैं डिस्कस करूंगा। तो आरआरबी जेई सीबीटी 1 जिसका अच्छा किया होगा वो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे सीबीटी 2 का, बट जिसका सीबीटी 1 अच्छा नहीं किया है वो लोग भी और ज़्यादा इस प्रिपरेशन अपना चालू कर दें ताकि एसएससी जेई आप निकाल सकें। एसएससी जेई आपको पता है कि सितंबर में एग्जाम होने वाला है, जो 23 सितंबर से 27 सितंबर तक है। ठीक है, 23 सितंबर टू 27 सितंबर इसका ऑफिशियल डेट दिया गया है, जो टेंटेटिव है। और 2018 एसएससी 2018 का एग्जाम होगा, और एसएससी जेई 2019 का जो नोटिफिकेशन है वो 1 अगस्त को आने वाला है। मतलब इस साल आपको एसएससी जेई 2 बार एग्जाम देने के लिए मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा प्लान रहेगा कि कैसे क्या पढ़ना है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं वो मैं अब डे बाय डे हर दिन अपलोड करूँगा इस चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे बात करेंगे आरआरबी जेई सीबीटी 2 का कंप्लीट सिलेबस, कैसे क्या पढ़ना है, और एसएससी जेई का सिलेबस और कैसे क्या पढ़ना है, और इस चैनल का स्टडी प्लान क्या रहेगा। डेली यहाँ पे वीडियो अपलोड होगा, क्या क्या चीज़ इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा, ये सारे चीज़ डिटेल में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं आरआरबी जेई सीबीटी 2 का जो सिलेबस है, आरआरबी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया हुआ था, वहीं से सिलेबस से लिया हूं, जो मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग का था। तो इसमें है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग। तो देखिए, ये जो सिलेबस है, ये सब्जेक्ट का जो नाम है यहाँ पे, ये जो नाम है वो डिप्लोमा लेवल का, जो भी मतलब डिप्लोमा किए होंगे, पॉलिटेक्निक किए होंगे 3 ईयर का, तो उनको पता होगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये इसी टाइप से उनके सब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, और जो लोग इंजीनियरिंग किए होंगे, डायरेक्ट बीटेक किए होंगे, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा ये सिलेबस समझने में मुश्किल हो रहा होगा कि ये कहाँ कहाँ से आया है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, उससे वही है, सेम है। जैसे यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो लगभग एसएससी जेई का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है, जैसे टॉम सॉम एफएम थर्मोडाइनमिक्स आरएसी एचएमटी, तो ये सारे सिलेबस रहेगा, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो है, जैसे एसएससी जेई में आईसी इंजन होता है, आईसी इंजन उसी टाइप का है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, ऑटोमोबाइल का कंप्लीट थोड़ा डिटेल में रहेगा। ठीक है, और जो लोग डिप्लोमा किए होंगे उनको पता होगा ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट क्या है, और इंजीनियरिंग में जो एक्स्ट्रा जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है ऑटोमोबाइल का वो लिए होंगे, तो उनको पता होगा। ठीक है, तो और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का ही बाकी सारे भी ये पार्ट से, जैसे मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग एंड टूल एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग का सिलेबस अगर आप करते हैं एसएससी जेई का, तो ये सारा चीज़ कम्प्लीट हो जाता है। जो मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है ये थोड़ा अलग है, जो एसएससी जेई में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा चीज़ जो है वो मैं पढ़ाऊँगा इस चैनल पर। तो आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, अभी तुरंत कुछ दिन में वीडियो अपलोड करूंगा मैं। तो इसका ये जो सीबीटी 2 है, इसका एग्जाम पैटर्न आपको पता होगा, 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिसमें से 100 मार्क्स टेक्निकल का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो है मैकेनिकल का, तो इसमें मैं सिर्फ टेक्निकल का बात कर रहा हूँ जो 100 मार्क्स के लिए है, बाकी आपको सिलेबस पता होगा तो मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो और इसमें एक चीज़ है कि कैलकुलेटर अलाउ है इस सीबीटी 2 एग्जाम में, तो इसका क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा मैकेनिकल का वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, कैलकुलेटर अलाउ है तो गेट टाइप का क्वेश्चन होगा, लेकिन गेट में इतना हार्ड जो क्वेश्चन आता है उतना हार्ड भी नहीं रहेगा। गेट का जो ईजी सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है, या
इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो मेडिकल होता है उस टाइप से क्वेश्चन आएगा जो सिंपल होगा। और यहाँ पे मैं कंप्लीट आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जो क्या है न्यूमेरिकल, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा न्यूमेरिकल पे फोकस रहेगा, ठीक है। और पहले भी मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल टॉपिक पे सॉल्व कराया हूँ, तो आप लोग भी वो भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब बात करेंगे एसएससी जेई सिलेबस के ऊपर और इसका स्टडी आपको कैसे करना है। तो देखिए पेपर वन में होता क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है, ये सारे सिलेबस है आप लोगों के पास होगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो रीजनिंग का सिलेबस है एसएससी जेई के लिए यहाँ इस चैनल पे कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। और ये सेकेंड पार्ट है जो जनरल अवेयरनेस, तो ये 50 मार्क्स का आता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क्स का आता है, 50 क्वेश्चन होता है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस जो होता है वो भी 50 क्वेश्चन होता है और 50 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ, जनरल अवेयरनेस का आप लोग कहीं और से पढ़ सकते हैं, इसके लिए बुक मैं रिकमेंड कर दूंगा और पहले भी बताया हूँ, तो आप इसके लिए बुक ले सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं या और करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन आता है कुछ, तो करेंट अफेयर आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जनरल साइंस जो है इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब भी आते हैं क्वेश्चन पॉलिटी वगैरह से, तो ये सारे आपको लूसेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। थर्ड ग्रुप है इसमें जनरल इंजीनियरिंग, तो जनरल इंजीनियरिंग मैं यहाँ पे मैकेनिकल के लिए बात करूँगा, तो जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के में जो क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का आता है, ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक। तो टोटल ये जो एस एस सी जेई जो पेपर वन है वो 200 मार्क्स का होता है और टाइम होता है 2 आवर्स, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसमें सिलेबस देख लेते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन है, ये डिटेल सिलेबस है, तो आप लोग ये देख सकते हैं या पीडीएफ आपको ये मिल जाएगा आपको एसएससी के साइट पे, वहाँ से भी सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा सिलेबस का, ठीक है। उसके बाद है इंजीनियरिंग मैकेनिक एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सारे टॉपिक इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा एक एक, और पहले भी बहुत सारे टॉपिक कम्प्लीट हो चुका है, इस चैनल पे है अपलोड, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आगे भी अभी रेगुलर ये जो है टॉपिक है वो मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यह है नेक्स्ट है थर्मल इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस है, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, ठीक है। आगे देखते हैं सिलेबस, तो इसमें जो है आपको डिटेल दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन है, और ये सिलेबस जो है अरबी जेई जो है उसके लिए भी सेम ही सिलेबस लगभग रहने वाला है, थोड़ा सा रेलवे के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना होगा, तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आईसी इंजन परफॉर्मेंस, आईसी इंजन कम्बशन, आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन में, और रंग काइन साइकिल ऑफ स्टीम है, ठीक है। और बॉयलर ये पावर प्लांट भी है, ठीक है, ये पावर प्लांट के अंदर आता है। बॉयलर क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग एंड एक्सेसरी, इसका जो वीडियो है टॉपिक है ये चैनल पे अपलोड है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और फ्लूड मैकेनिक्स एंड मशीनरी है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एस एस सी जेई में, यहाँ से कम 15 से 20 क्वेश्चन इससे आता है, नहीं भी तो मिनिमम तो 12 क्वेश्चन तो आते ही हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी से, और इसका भी बहुत सारे वीडियो अपलोड है इस चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हैं और आगे भी अपलोड होते रहेगा, ठीक है। तो और ये है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी का ही टॉपिक है, ये भी जैसे मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, बेसिक प्रॉपर्टी, ये सारे जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का ही टॉपिक है, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, ये है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन का टॉपिक है, ठीक है। तो ये सारे सिलेबस है आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ से भी वीडियो बहुत सारे अपलोड है, जैसे वेल्डिंग, ये मटेरियल साइंस, ये सारे क्वेश्चन जो टॉपिक है इस पर
क्वेश्चन उसका अपलोड है इस चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हैं और आगे भी अपलोड होते रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस। तो ये सारे मैकेनिकल के टॉपिक हैं जो इस चैनल पे बहुत जल्दी मैं अपलोड करने स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि जो वीडियो का ड्यूरेशन होगा वो कितना मिनट का होना चाहिए, 15 मिनट्स या 15 टू 30 मिनट्स का वीडियो, तो ये सारे बताइएगा। और कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करना है, ज़्यादा आपको ज़रूरी कौन सा सब्जेक्ट लग रहा है तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। और एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक डिटेल में पूरा कंप्लीट कराऊंगा मैं, थ्योरी से लेकर एक एक क्वेश्चन तक। तो कुछ भी आपको घबराने की बात नहीं, ये सारे चीज़ एसएससी जेई और आरआरबी जेई सीबीटी 2 के का कंप्लीट मैं प्रिपरेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए करा दूंगा। और यहाँ एसएससी जेई में रीजनिंग का जो टॉपिक है वो सबके लिए सेम है, तो वहाँ पे रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।